नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विक्रम आपका स्वागत करता हूं हमारी मेडिकल पोस्ट अपर होली के ऊपर, जो कि है जस्ट होली के ऊपर। और आपको सुबह का व्यू दिखाई दे रहा है। यात्री इन सीढ़ियों से चलकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सामने आपको दिखाई दे रही है अपर होली केव और ये पवित्र गुफा। इस गुफा के दर्शन के लिए यात्री आ रहे हैं। आज थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से कम यात्रियों को परमिशन मिली है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह की आरती 6 बजे स्टार्ट होती है और 6:30 तक चलती है। तो सुबह की आरती लगभग समाप्त हो चुकी है, उसमें हम पार्टिसिपेट किया है। ये है जहाँ से बाढ़ का इंसिडेंट हुआ था और ये जो हमारी पोस्ट है इसके बिल्कुल पीछे से बाढ़ का पानी आया था। आज इन्फॉर्मेशन है कि मौसम ख़राब रहेगा और आप दूर पहाड़ियों पे देख सकते हैं कि वहाँ स्नोफॉल हुई है, फ्रेश स्नोफॉल हुई है। रात को भी काफ़ी बारिश का मौसम रहा। और ये आप अपर होली केव से जो व्यू देख रहे हैं, ये इस तरह से जो वैली है अमरनाथ केव की वैली, वो इस तरह से नज़र आती है। और मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको अच्छी तरह से पूरी वैली दिखाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं, आगे ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बियॉन्ड आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन और किसी तरह का भी कोई सामान ले जाने की परमिशन नहीं है, बैग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये सारी वीडियो जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव है, सिर्फ इस चैनल पर दिखाई देंगी और कहीं किसी चैनल पर आपको यहाँ से वीडियोज दिखाई नहीं देंगी। तो वो सामने जो आप देख रहे हैं वो गेट, वो सिक्योरिटी पॉइंट है। और मॉर्निंग में वैसे कम भीड़ रहती है यहाँ पर, जो लोग नज़दीक में ठहरे हुए हैं वही पहुंच सकते हैं। अगर कोई बालटाल और पहलगाम रूट से आया है तो वो यहाँ मॉर्निंग में नहीं पहुंच सकता। और वैसे भी आज जो है यात्रियों को कम छोड़ा गया है, तो कम यात्री यहाँ पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ दिखाई दे नहीं रही। ये सिक्योरिटी पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ सुबह चेकिंग होती है, उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं। मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होता, सामान अलाउड नहीं। और ये देखो लोअर होली केव आपको दिखाई दे रहे हैं, टेंट्स ऑफ लोअर होली केव। और ये ग्लेशियर्स हैं दूर तक, आप देखो दिखाई दे रहे हैं रास्ता। तो ये देखो, ये आप ग्लेशियर हैं, सुबह सुबह बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है ग्लेशियर का और यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके लेफ्ट साइड में जो है ये हेलीपैड है और हेलीपैड के पास ही, दिस इज़ हेलीपैड, और इसके पास ही हमारी रहने की व्यवस्था है। तो यहाँ से हम आए हैं और हमारी पोस्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और इस पे यहाँ से देखने पर बिल्कुल हमें लगता है कि बाबा अमरनाथ की गुफा जस्ट हमारे ऊपर ही है। और ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर जो है वो बाढ़ का इंसिडेंट हुआ था, क्लाउड बस्ट का। अभी हम हैं होली केव पे और होली केव से ये लेफ्ट साइड का पार्ट है और ये आपको दिखाई दे रहा है इमरजेंसी हेलीपैड और नीचे हमारे रहने के लिए टेंट है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है पूरी अमरनाथ वैली का। तो इस नज़ारे को देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। पवित्र गुफा के अब हम चलेंगे अंदर और ये है पहला एंट्री गेट। गुफा में भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है और देवी पार्वती भी विराजमान है। गुफा के पुजारी मंत्रों का उच्चारण करके आरती कर रहे हैं। और अपर होली के पे खाने की व्यवस्था के लिए भंडारे होते हैं। ये देखिए श्री गंगानगर का भंडारा है। यहाँ पे बाजरे की सुबह सुबह हमने खिचड़ी से ब्रेकफास्ट किया। ये कितनी सुंदर खिचड़ी मिलती है वहाँ पर। इतनी अपर होली के ऊपर इतना जो है एल्टीट्यूड होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, वो धीरे धीरे चलना पड़ता है। आप देख रहे हैं यात्री कितने थकान महसूस कर रहे हैं और बड़ी दिक्कत से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ही कम है। ये आप देख रहे हैं, कुछ मैंने आपको यात्रियाँ दिखाया हैं ताकि आपको ये सिनेरियो पता चले कि कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ पर सिनेरियो। तो ये सब वहाँ व्यूज़ रहते हैं, जो भगत लोग आते हैं वो इस तरह का जो व्यू रहता है वहाँ पे। लोग थकान महसूस करते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर 2-3 मिनट का रेस्ट करते हैं। और ये पवित्र होली गुफा जो आपको दिखाई दे रही है होली केव,
तो ये बाबा बर्फानी की गुफा का नज़ारा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग पहुँचे हैं सुबह सुबह, और बाबा जी के दर्शन करने के बाद कितने खुश हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो ये सारे यात्री जो हैं ये अपने गंतव्य तक पहुँचे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, और ये देख रहे हैं आप कितने खुश हैं। तो ये यात्रियों की फ़ोटो है। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेश भास्कर जो है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और उसके अलावा हम सारी टीम बहुत ही स्वस्थ हैं और बाबा जी के दर्शन करके और खुश हैं। सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि पहली बार जो है पवित्र गुफा तक पहुँचे हैं और साथ साथ सेवा करने का मौका मिला है। तो ये गुफा है, ये आप देख रहे हो गुफा है, और इसके जो थोड़ा सा राइट साइड में आएंगे ये वो लोकेशन है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ। और ये देख सकते हैं आप, ये कितने बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर इसके साथ में आए हैं, और ये सारे ऐसे गए हैं। और ये आगे जाके, और ये रास्ता आप देख रहे हैं ये सब, इसके रास्ते में जो यहाँ पे आई थी ये जो जंगल है, ये जो जंगल है इसके बीच में है जंगली जहाँ पे आ रही है, ये जगह पे टेंट रहे होंगे, इन सब टेंटों को फाड़ दिया। और फिर और ये जो इधर से ये जो नाला जा रहा है, ये जो नाला जा रहा है, उस नाले में मिलने के लिए यहाँ से रास्ता आया, ठीक है। और मैं बात करूँ मौसम की, मौसम आज अनुमान ये है कि इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत ही ख़राब रहने वाला है। और आप देख रहे हैं क्लाउड, तो जो है धूप बहुत ही कम आई है, तो क्लाउडी है, तो आज बारिश का अनुमान रहेगा। रात को भी पूरी रात बारिश रही है, तो आज अनुमान है कि बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी। अभी हम अमरनाथ केव पे टेंटेड अकोमोडेशन पे रात को हम यहीं पर सोए थे, और ये हमारा स्लीपिंग बैग, और अभी बाहर बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ही ख़राब है। तो ये हमारी टेंटेड अकोमोडेशन है जो अंदर से मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और इसके जस्ट ऊपर ये होली केव है, ठीक है। थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, और ये आज मौसम ख़राब है तो आप क्लाउड देख सकते हैं। टेंटेड अकोमोडेशन है, ये परमानेंट अकोमोडेशन है। टेंट है, टेंट के अंदर से मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। ये है हमारी अकोमोडेशन, थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। ये एक सामान है, ये एक बेड है, ये मेरा स्लीपिंग बैग पड़ा है, रात को इसने बड़ी मदद की। यहाँ वाले स्लीपिंग बैग यूज़लेस थे तो इसने काफ़ी मदद की। और एक दो तीन चार सटा के बेड लगाए हुए हैं, और ये भी ठीक है, नॉट सो गुड बट ठीक है। हाँ, एक टेंट अकोमोडेशन का बस जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इससे। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, और देखो बाहर क्या अनाउंसमेंट हो रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। मौसम ज़्यादा ख़राब होने की आशंका है, यहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए, इसलिए दर्शन करते ही दर्शन दर्शन और संकर्मी दर्शन के लिए रवाना हो जाए, धन्यवाद। तो मौसम की ये रिपोर्ट है कि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। आप देख रहे हैं उधर कितनी बर्फ़बारी हुई है, पहले आपको सुबह का व्यू दिखाया था, इतनी बर्फ़बारी नहीं थी, अब काफ़ी बर्फ़बारी रही है। पूरा वन एंड हाफ डे, पूरा डेढ़ दिन हमारे यहाँ पे बारिश रही है, और जो है आज नेक्स्ट डे थोड़ी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा मौसम खुलेगा। दो दिन से हम पवित्र गुफा के मेडिकल पोस्ट पर हैं, और हमने सुबह और शाम जो बाबा जी की आरती होती है उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो है मरीजों को देखा।
लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है हमारे लिए कि यहाँ पर हमारे रहने की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था नहीं है, हमें टेम्परेरी टेंट दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा आ गए हैं। तो हमें जो है ऑर्डर मिला है कि हमें वापस अपने बालटाल बेस कैंप पे ही जाना होगा। तो अपर होली केव से वापस लौटने से पहले हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद अब हमारी तैयारी है कि मौसम ज़्यादा ख़राब होने से पहले हम वापस लौट जाएँ। जो ऊपर से रास्ता आ रहा है वो बालटाल खच्चर से रास्ता आ रहा है, बालटाल के संगम से, और ये काली माता से पैदल का रास्ता है। तो जब हम आए थे तो उस रास्ते से आए थे, जा रहे हैं इस रास्ते से, वही जंक्शन पे हम लाए गए। और देख रहे हो आप टेरेन कैसा है, बीच में ये इस पहाड़ से जाके और उस पहाड़ के नीचे उतारेगा वो है, ये वो उधर संगम डाउन है, इसी तरह वहाँ चल जाएगा।